हेलो मित्रों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर, क्या भर्ती को लेकर जो कोर्ट में रिट लगी है, याचिका लगी है, उसके बाद क्या हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या हमने दो आवेदन किए, हमारा आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आपको पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती की सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। तो मित्रों, आपने ये न्यूज पढ़ ली होगी, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 का मामला, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में एक याचिका दायर की गई है दोस्तों, और उस याचिका की जो सुनवाई है वो होगी 2 नवंबर को, जबकि आपका एग्ज़ाम है दोस्तों 6 नवंबर को। तो ये याचिका क्यों दायर की गई है, क्योंकि दोस्तों एक से अधिक जिलों से जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये नियमों के विरुद्ध है दोस्तों इस याचिका में। तो इसकी सुनवाई होने वाली है 2 नवंबर को। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, क्या जो है आपका आवेदन निरस्त होगा या नहीं होगा। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर दोस्तों, आपको ऐसी बातों को आपके माइंड में बिल्कुल भी लेकर नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों 2 नवंबर को सुनवाई होगी और आप 2 नवंबर तक वेट नहीं कर सकते हो। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए दोस्तों, जो भी पेश लाएगा विद्यार्थी हित में ही 2 नवंबर को पेश लाएगा, ठीक है। आप अभी से क्यों सोच रहे हो कि भर्ती रद्द होगी या भर्ती रद्द नहीं होगी, आपको ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए दोस्तों। आपको केवल आपका टारगेट नज़र आना चाहिए कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम 6 नवंबर को है और मुझे एग्ज़ाम देना है, 6 नवंबर से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसी जो बातें हैं इनको अपने माइंड में लेकर मत आइए दोस्तों, क्योंकि आप ऐसी बातें अगर अपने माइंड में रखोगे तो आप एक डीमोटिवेट की श्रेणी में आ जाओगे दोस्तों, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों 2 नवंबर को क्या फैसला आता है। फैसला जो भी आएगा विद्यार्थियों के पक्ष में आएगा। और जहाँ तक दोस्तों आवेदन की बात है, आपका आवेदन निरस्त नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने पेमेंट किया है तो आपका आवेदन निरस्त नहीं होगा। जो भी फैसला माननीय न्यायालय सुनाएगा वो विद्यार्थी हित में ही सुनाएगा दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए दोस्तों, किसी भी अफवाह के चक्कर में मत आइए कि भर्ती रद्द हो गई है, अब नहीं होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर, गुजरा आरक्षण की वजह से भर्ती रद्द हो रही है। दोस्तों, ये सारा काम सरकार का है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो इसी, आपका काम है केवल पढ़ना, स्टडी करना। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, सरकार जो भी सोचेगी विद्यार्थी हित में सोचेगी, विद्यार्थियों के पक्ष में सोचेगी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 6 नवंबर को एग्ज़ाम है और आपके एडमिट कार्ड भी लगभग जारी हो गए होंगे। तो आप अपना जो पूरा फोकस है वो एग्ज़ाम पर रखिए दोस्तों, ताकि आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले सको। और जैसे ही जानकारी आएगी दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा दोस्तों। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अपने माइंड से सारे थॉट निकाल दीजिए कि भाई भर्ती रद्द हो रही है, क्या फैसला आएगा, क्या हमारा आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसी चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ गए थे, तो उसका जवाब कमेंट पे देना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँ दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जो भी स्टूडेंट ऐसी बातों में आ रहे हैं उनको एक सही मार्गदर्शन यहाँ पर प्रोवाइड हो जाए दोस्तों। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।